इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर्स का हम इस्तेमाल जो हेल्थ सेक्टर में यानी सेहत के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहली अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि हमारे पास एक पूरा सिस्टम होता है, एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर पेशेंट्स का तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसे हम डेटाबेस ऑफ पेशेंट्स कहते हैं। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद होती है कि वो तमाम रिकॉर्ड जो पहले वो मैनुअल रजिस्टर्स पे लिखा करते थे, अब उनके पास कंप्यूटर्स के अंदर मुकम्मल एक डेटाबेस मौजूद होता है। ये जो डेटाबेस है इसके अंदर हर पेशेंट की डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, यानी उस पेशेंट का नाम, एज, उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, उसका एड्रेस और उसके तमाम मेडिकल टेस्ट, उसकी रिपोर्ट हर वक्त उस डेटाबेस में अवेलेबल होती है। इस डेटाबेस को हम किसी सर्वर में स्टोर कर देते हैं और वो सर्वर जो है इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होने की वजह से उस इंफॉर्मेशन तक डॉक्टर किसी भी वक्त एक्सेस कर सकता है और हत्ता कि खुद पेशेंट जो है वो भी उस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस कर सकता है। तो ये सब कुछ मुमकिन हुआ कंप्यूटर्स की बदौलत। अब चलते हैं आगे कि हम हेल्थ में जो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल है उसके अंदर जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर चेक करना या हार्ट रेट चेक करना या ब्रेन सिग्नल्स चेक करना, उसको मॉनिटर करने के लिए पहले हमें किसी एक अलग-अलग एक बंदा हायर करना पड़ता था। अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम कंप्यूटर्स की मदद से उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी पेशेंट है, उसका अगर हमने ब्लड प्रेशर चेक करना है या हमने उसका पल्स रेट यानी उसकी जो हार्ट बीट है उसको हमने चेक करना है, उसके अलावा ईसीजी एक मशीन होती है जिसमें हार्ट की जो जो बीट होती है, हार्ट बीट, उसको एक वेव की शक्ल में शो किया जाता है, ये भी कंप्यूटर की बदौलत में मुमकिन होता है। इसी तरह रेस्पिरेशन रेट जो कि सांस लेने का जो अमल है उसकी जो स्पीड है वो भी कंप्यूटर्स के जरिए मॉनिटर किया जाता है, उसको देखा जाता है। इसी तरह दिमाग से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं न्यूरॉन्स के, उसको भी हम देख सकते हैं मॉनिटर की कंप्यूटर की वजह से। तो ये कंप्यूटर के फवायद हैं जिसकी वजह से जो हेल्थ जो इलाज की फैसिलिटी है वो काफी हद तक बेहतर हो गई है और लोगों का इलाज करना काफी ज्यादा बेहतर हो गया। इसके अलावा हेल्थ के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, एक होता है पेशेंट और एक होता है डॉक्टर, इनके आपस की जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही अहम है। इनका आपस में एक दूसरे से राबता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब कंप्यूटर्स की वजह से ये हुआ है कि डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स इनका आपस में जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, वो करना काफ़ी आसान हो गया है। यानी पेशेंट और डॉक्टर आपस में एक दूसरे को मेल्स के जरिए एक दूसरे को अपनी सिचुएशन से आगाह कर सकते हैं। अगर पेशेंट ने कोई अपॉइंटमेंट लेनी हो तो वो भी डॉक्टर से आसानी के साथ ली जा सकती है। इसके अलावा डॉक्टर्स ने अगर कोई चीज़ सजेस्ट करना हो तो पेशेंट को मेल कर सकता है। इसी तरह पेशेंट ने अगर अपनी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर के पास खुद जाने के बजाय उसको मेल करके या स्कैन करके डॉक्टर के पास भिजवाया जा सकता है। तो इस तरह से कंप्यूटर मदद फराहम करता है पेशेंट और डॉक्टर की आपस का जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर बनाने में। इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तादाद में हेल्थ अवेयरनेस वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पे आप को अगर कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, तो आप फौरन इंटरनेट पे जाके उन वेबसाइट्स का विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी हेल्थ से मुतालिक जो भी आपको इशू आ रहा है वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब ये है कि इलाज की तशखीस करना, मर्ज की तशखीस करना, यानी अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी बीमारी है उसको ये चेक करना कि उसको ये बीमारी के पीछे कौन से मुहरिकात हैं, कौन से रीजंस हैं जिसकी बिना पर ये शख्स बीमार हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास लेबॉरेटरीज मौजूद हैं जिनके अंदर कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं जो कि आसान आराम से टेस्टिंग कर सकते हैं उस पेशेंट के मुतालिक। मिसाल के तौर पे इसमें कि एग्जांपल है ब्रेन ट्यूमर की, यानी हमारे पास ऐसी लेबॉरेटरीज हैं जिसके अंदर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि कंप्यूटर इंसानी दिमाग का जो स्कैन अंदर से पूरा जो है उसका एक्सरे है उसको स्कैन करते हैं और उसको स्कैन करने के बाद उसकी पूरा एनालिसिस करते हैं। उसका एनालिसिस करने के बाद उसकी इमेज की प्रोसेसिंग की जाती है, इसको इमेज प्रोसेसिंग कहा जाता है, जिसकी बुनियाद पर हमें पता चल जाता है कि दिमाग के किस हिस्से में वो ट्यूमर मौजूद है और इस फील्ड को मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग कहा जाता है।
तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल थी डायग्नोसिस की. इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी शख्स की बीमारी का पता चला सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि कंप्यूटर जो है वो कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं हेल्थ को बेहतर बनाने में.